का इशू रेस किया जी। आज हम जनवरी में 8 महीने हो गए, बताइए क्या किया? सर 3 मई 2023 को टेंडर इसके हैं, लगे हुए हैं, तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो टेंडर का था बटनरी का दफ्तर का इशू जी। आज तक ना तो वहाँ कोई पाइप बिछी है और ना ही आज तक कोई पानी आया है। पिछले साल 4-5 साल से वहाँ पे वाटर टैंक जाया करता था और हफ्ते में 2 बार जाया करता था, उनको पानी मिलता था। इस साल वो भी टैंक बंद हो गया और वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। कभी वो जल मिशन में आ जाती है, कभी वो दूसरी स्कीम में आ जाती है। तो मेरा डीसी साहब से वार्ड नंबर 6 फ्लोरी गुजरा हूँ सर। बंदा भी रहे के साथ जब तक वो अच्छे तरीके से पुराना बना था वो कम्प्लीट नहीं हुआ, उसी को लेके जो चलते रहते हैं। जब भी मेरे पास आ गया नया जगह भी मैंने इनको बताई थी, फिर बोलते हमने लिख दिया जी आपके पास पहला बाजार गया, उस पर छात्र भी नहीं पड़ा हुआ है। और पीकॉक का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा हमें। पीकॉक जो है वो सभी फसल को चुन रहा है, जो भी लगा रहे हैं उसका सीडी उसको जो है कर देता है। आपने जो भी ब्लॉक दिवस हुआ है, मैं सभी डिपार्टमेंट्स को बार बार कहता हूँ कि अपना अपना ATR हमेशा ब्लॉक दिवस में तैयार करें। क्या इशूज़ आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगली बार मैं उनके बारे में पूछूंगा। और दिस इज़ द लास्ट वार्निंग कि अगर नेक्स्ट ब्लॉक दिवस में किसी ने अपना ATR, और मैं द्रुढ़नी का विजयपुर का ब्लॉक दिवस है, मैं सांबा की भी ATR पूछ सकता हूँ क्योंकि ऑफिसर साहब सभी यहीं पे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट द ATRs आर सेंट एंड डिस्प्लेड एंड इन्फॉर्म्ड। तो एक मैं मानूंगा और आप सभी लोग यहाँ के निवासी हैं कि जितने भी सभी धर्मों के सभी संप्रदाय से और सभी जाति जितनी भी हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं, सभी ग्रुप्स इस कॉज के लिए इकट्ठा आएँ, एकजुट होके आएँ और एक निश्चय कर लें और एक संकल्प ले लें कि जहाँ तक बात नशे की है और क्राइम की है तो उसमें सभी ग्रुप्स जो हैं इसके खिलाफ हैं। चाहे वो फ्राइडे को मस्जिद से जब अजान होती है कि वहाँ पे भी जो कंसर्न मौलवीज़ हैं उनको भी ये चीज़ करनी चाहिए, गुरुद्वारे में भी जो हमारे वहाँ पे रहते हैं वो भी इस चीज़ को लेके थोड़ा सा लोगों में ये मैसेज करें, और जो बाकी लोग भी हैं समाज के जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके अपने अपने समाज में, चाहे वो ऑफिसर्स हो चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, आप भी जहाँ जाते हैं वापस जाते हैं उस गाँव में जाते हैं उस शहर में जाते हैं, आपको भी इस चीज़ को ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, इसमें कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कोई ऑफिस का काम नहीं है कि मैं करूँगा और मेरा डिस्पोजल फाइल का हो जाएगा, ये वो काम नहीं है। इट इज़ अबाउट सेविंग अ सोसाइटी, इट इज़ अबाउट सेविंग अ जनरेशन, और उस काज के लिए बिना किसी को देखे कि मैं किसी डिपार्टमेंट का हूँ किसी भी ओहदे पे हूँ, वो एक अलग से काज है। और मैं नवाज़ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हर दिन 1 घंटा हम इस कॉज को दें, और सभी ऑफिसर्स इस चीज़ के लिए कोई भी वॉलंटियर करना चाहे जो हमारे इस मिशन से जुड़ना चाहे, इस मिशन को हम आगे लेके जाएं, हर दिन 1-1 घंटा इस चीज़ को हम दें, तो कोई एक कॉमन जो है प्लेटफॉर्म इस चीज़ के लिए बनाएं ताकि ये जो प्रॉब्लम बढ़ रही है इस प्रॉब्लम को सही तरीके से इसको कट किया जा सके।